10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। बिना डिग्री के लाखों का वेतन देने वाली नौकरियां। आज दुनिया का हर इंसान पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता है ताकि खुद को और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज की डिग्री हासिल करना हर एक इंसान के नसीब में नहीं होता। हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ निजी कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अच्छा वेतन देने वाली नौकरियों के लिए कॉलेज की डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। दुनिया में बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जो बिना डिग्री के भी काफी अच्छा वेतन देती हैं। आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको 10 ऐसी नौकरियों के बारे में बताएंगे जिनके लिए किसी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एथिकल हैकर। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज दुनिया के हर एक काम को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। इन बढ़ते हुए साइबर अपराधों को रोकने के लिए एथिकल हैकर्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एथिकल हैकर का काम सिस्टम की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अगर आपको भी कंप्यूटर और हैकिंग में दिलचस्पी है तो आप भी एथिकल हैकर बनकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना कोई कॉलेज डिग्री प्राप्त किए भी एक काबिल हैकर बन सकते हैं। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए बहुत से कोर्स करवाए जाते हैं जिन्हें आप सीधा 10वीं कक्षा के बाद शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका दिमाग तेज है और आपको कंप्यूटर की भाषा समझ आती है तो आप बिना कोई कोर्स किए ही एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। आमतौर पर एक एथिकल हैकर की सैलरी 2 लाख से 20 लाख तक होती है। नंबर 9, फोटोग्राफर। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि उनका कोई शौक भी उनके लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन बन सकता है। फोटोग्राफी भी उन्हीं शौक में से एक है। अगर किसी इंसान को फोटोग्राफी का शौक हो तो वो उसी में अपना करियर बना सकता है। फोटोग्राफी की जॉब हासिल करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इस जॉब को हासिल करने के लिए कक्षा 10 या 12 तक की पढ़ाई ही काफी होती है। कक्षा 10 पास करने के बाद आप सीधा फोटोग्राफी में डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो डिप्लोमा के बिना भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा लेने का ये फायदा होता है कि पहली नौकरी मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। इस नौकरी की शुरुआत में तो वेतन इतना ज्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वेतन भी उसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। भारत में एक फोटोग्राफर का औसतन वार्षिक वेतन 3 लाख से शुरू होता है। नंबर 8, लेखक। हर इंसान के अंदर कुछ हुनर या कला ऐसी होती है जिन्हें वो अपने जन्म के साथ प्राकृतिक रूप से लेकर पैदा होता है। इस तरह के हुनर परिश्रम करने पर अपने अंदर पैदा नहीं किए जा सकते। लेखन भी उन्हीं प्राकृतिक गुणों में से एक होता है। कोई इंसान एक अच्छा लेखक तभी बन सकता है जब उसके अंदर प्राकृतिक रूप से एक अच्छा लेखक बनने के गुण हों। अगर किसी इंसान को लिखने का शौक है और वो अच्छा लिखता है तो वो एक लेखक के तौर पर अपना करियर बना सकता है। एक लेखक बनने के लिए किसी भी प्रकार की कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होती है। इस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। एक लेखक जितना ज्यादा पढ़ता और लिखता है उसका काम उतना ही ज्यादा निखरता चला जाता है। शुरुआत में एक लेखक का वेतन मध्यम दर्जे का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके लिखने की क्वालिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका वेतन भी बढ़ता चला जाता है। एक लेखक की शुरुआती औसतन सालाना वेतन लगभग 2.5 लाख रुपए तक होती है। नंबर 7, मॉडलिंग। मॉडलिंग भी एक ऐसा करियर विकल्प है जिसमें किसी प्रकार की कोई खास पढ़ाई या कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है और इस काम से मिलने वाले वेतन भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। मॉडलिंग के क्षेत्र में आपके शरीर की आकृति, आपका आत्मविश्वास व खुद को प्रस्तुत करने की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस क्षेत्र में वही लोग करियर बना सकते हैं जिनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। मॉडलिंग के लिए एक लंबे और फिट शरीर की आवश्यकता होती है। एक मॉडल के तौर पर काम करते हुए लोगों को फिल्मों और टीवी शोज में भी छोटी छोटी भूमिका मिलनी शुरू हो जाती है। मॉडलिंग के जरिए अभिनय के क्षेत्र में जाना काफी आसान हो जाता है। अगर इंसान इस क्षेत्र में मेहनत और लगन से लंबे समय तक काम करता रहे तो उसकी कमाई लाखों से करोड़ों तक पहुंच जाती है। नंबर 6, पर्सनल ट्रेनर। आज के जमाने में लोग अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोग एक आकर्षक और फिट शरीर पाने के लिए जिम के अंदर घंटों पसीना बहाते हैं, लेकिन शरीर को फिट और आकर्षक बनाना इतना आसान काम नहीं होता। इसलिए लोग मनचाहा शरीर पाने के लिए पर्सनल ट्रेनर यानी निजी प्रशिक्षक की मदद लेते हैं। एक पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई काफी होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई कॉलेज डिग्री है या नहीं। जो व्यक्ति इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है वो 12वीं कक्षा के बाद अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार 3 से 15 महीने तक का कोर्स कर सकता है।
भारत में फिटनेस को लेकर बढ़ती हुई जागरूकता के कारण इस समय पर्सनल ट्रेनर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी कारण इस क्षेत्र में नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। शुरुआत में हो सकता है कि वेतन इतना ज्यादा ना मिले, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ मासिक वेतन 1-2 लाख तक पहुंच जाता है। नंबर 5, पॉलिटिशियन। भारत में पॉलिटिक्स भी एक बहुत अच्छा करियर विकल्प माना जाता है। ये शायद अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि जो व्यक्ति कभी स्कूल भी नहीं गया वो भी पॉलिटिशियन बन सकता है। भारत में एक पॉलिटिशियन बनने के लिए सिर्फ भारत की नागरिकता, 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र और अच्छे नेटवर्किंग कौशल की जरूरत होती है। एक पॉलिटिशियन को भारी वेतन के अलावा और भी बहुत सी मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं। इन मुफ्त सेवाओं में शानदार घर, मुफ्त सरकारी वाहन, असीमित एसी ट्रेन यात्राएं, सीमित हवाई यात्राएं और यहां तक कि टेलीफोन जैसी चीजें भी मुफ्त दी जाती हैं। ये दुनिया की अकेली ऐसी नौकरी है जिसमें बिना पढ़ाई लिखाई के इतना सब कुछ दिया जाता है। जो लोग समाज में बदलाव और सुधार लाना चाहते हैं उनके लिए पॉलिटिक्स सबसे बढ़िया करियर विकल्प है। नंबर 4, रियल एस्टेट एजेंट। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एजेंट बनने को एक बढ़िया करियर विकल्प माना जाता है। इस क्षेत्र में कमाई के अवसर असीमित होते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार जितना चाहे कमाई कर सकता है। रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए कॉलेज की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अलग अलग राज्य के अनुसार न्यूनतम 18 से 19 साल की उम्र और एक रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी भी मशहूर इंस्टीट्यूट या सर्टिफिकेशन कोर्स को पूरा करना होता है। उसके बाद रियल एस्टेट लाइसेंस परीक्षा को पास करना पड़ता है। परीक्षा पास करने के बाद लाइसेंस दे दिया जाता है। भारत में रियल एस्टेट एजेंट काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। जैसे जैसे उनके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी कमाई भी बढ़ती जाती है। एक मध्यम दर्जे के रियल एस्टेट एजेंट की मासिक कमाई तकरीबन 1-2 लाख तक होती है। नंबर 3, ग्राफिक डिजाइनर। आज के जमाने में सबसे ज्यादा करियर विकल्प कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग भी उन्हीं करियर विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में एक सफल करियर बनाने के लिए किसी भी कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इच्छुक व्यक्ति को सिर्फ 12वीं कक्षा पास करनी होती है, इसके बाद वो किसी भी मनचाहे इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिजाइनिंग में 1-2 साल का डिप्लोमा कर सकता है। एक और चीज जो एक क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए बेहद जरूरी होती है वो है एक रचनात्मक दिमाग। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग रचनात्मक नहीं है तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में सफलता हासिल नहीं कर सकता। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद किसी भी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इच्छुक व्यक्ति तुरंत नौकरी शुरू कर सकता है। एक फ्रेशर ग्राफिक डिजाइनर को 2.5-3 लाख तक औसतन सालाना वेतन दिया जाता है। नंबर 2, रजिस्टर्ड नर्स। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों के लिए नौकरियों के सबसे ज्यादा अवसर मौजूद होते हैं। इस क्षेत्र में बना करियर काफी सिक्योर माना जाता है। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन एक पंजीकृत नर्स के तौर पर काम करने के लिए किसी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई काफी होती है। इच्छुक व्यक्ति को 12वीं कक्षा के बाद पंजीकृत नर्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम पास करना होता है। ये परीक्षा पास करने के बाद परीक्षार्थी को पंजीकृत नर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस कोर्स को करने की सिर्फ 2 शर्तें होती हैं। पहली ये कि परीक्षार्थी की उम्र 17 साल या उससे अधिक हो और दूसरी ये कि उसने 12वीं कक्षा आर्ट या साइंस विभाग से की हो। सर्टिफिकेट मिलने के बाद नौकरी मिलना काफी आसान हो जाता है। हमारे देश में एक पंजीकृत नर्स की औसतन सैलरी 2,30,000 रुपए प्रतिवर्ष होती है। नंबर 1, वेब डिजाइनर। एक वेब डिजाइनर के तौर पर नौकरी को लेकर बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि इसके लिए एक कॉलेज डिग्री की जरूरत पड़ती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई काफी होती है। अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने के लिए पक्का इरादा रखता है और उसको चीजें जल्दी जल्दी समझ आ जाती हैं, तो वह किसी बैचलर्स डिग्री की जगह कोई डिप्लोमा भी कर सकता है। वेब डिजाइनिंग सिखाने के लिए बहुत से डिप्लोमा प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में कुशल होता है तो उसको डिप्लोमा करने के बाद आसानी से नौकरी मिल जाती है। नौकरी की शुरुआत कम सैलरी से होती है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। एक अनुभवी वेब डिजाइनर का मासिक वेतन 1.5 लाख से 6 लाख तक होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।